बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। अंत न पार अड़हुंदो सागर बहे। लहरन मंझ लुड़ी वया। जग जा जीव अपार। टेऊं सो गुरुमुख तर्यो। निसंग थी निर्वार। जैखे सत विचार। गुरु अडनो कृपा करे। गुरु अडनो कृपा करे। गुरु अडनो कृपा करे। प्राणन में फिर का आहे सो हम शब्द जो। नाभि अखान क्री करे। गगन मंडल में वास। तैसा सुरत मिली करे। पाए सुख अविनाश। यो अनन अभ्यास। तेऊ को गुरुमुख करे। तेऊ को गुरुमुख करे। तेऊ को गुरुमुख। जैन जो अंत न पार अण हुंदो सागर वहे। ये संसार सागर, इसके गुरु महाराज जी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की वाणी में भी फरमाते हैं, भव सागर ये महागंभीरा जाका आर न पारा है। ये संसार सागर भव सागर बहुत गंभीर है, जिसका कोई आर पार नहीं। मोह के पानी भ्रम चक्र में डूबे जीव अपारा है। इस सागर में अनंत जीव डूब करके बह गए। लहरन मंज लुड़ी व्या। जग जा जीव अपार। टेऊं सो गुरुमुख तर्यो। नसंग थी निर्वार। तो तैराक कौन है, कौन पार जाता है? जो गुरुदेव की शरण लेता है, गुरुमुख बनता है और संग आसक्ति का त्याग करके वैराग्य को धारण करता है। जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है, वे ही इस संसार सागर से पार होते हैं। जैंके सत विचार गुरु अजनो कृपा करे। जिसके हृदय में शुभ विचार जागते हैं, ईश्वर से मिलने के और गुरु की कृपा जिनके ऊपर होती है, वे ही इस संसार सागर से पार जाते हैं। प्राणन में प्रकाश आहे सोहम शब्द जो। ये जो हमारे श्वास प्रश्वास चलते हैं, इनमें सोहम शब्द समाया हुआ है। श्वास लेते समय सो, प्रश्वास छोड़ते समय हम, ये शब्द निरंतर चल रहा है। उसी का प्रकाश प्राणों में है। नाभिय मानकरी करे। गगन मंडल में वास। मूलाधार चक्र से वो सहस्रार चक्र तक उस सोहम शब्द का प्रकाश है। जो योग अभ्यास करते हैं, निरंतर श्वासों के साथ नाम का जप करते हैं, वो उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तैसा सुरत मिली करे।
पाए सुख अविनाश। मन की वृत्ति निरति सुरति उस शब्द के साथ जुड़ जाती है तो उसे अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। यो अनन अभ्यास टेऊं को गुरुमुख करे, जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है वो उस अभ्यास के द्वारा, श्वासों के द्वारा, नाम जप अजपा जाप के द्वारा परम आनंद को प्राप्त करता है। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊं राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊं राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊं राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश, पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी
प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।